हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई, सुबह वाले एपिसोड में थोड़ी कंफ्यूजन हुई ट्रेवर को, बट कोई बात नहीं, जल्दी सोल्व हो जाएगी सारी चीज़ें। आपको बताइए, सुबह वाले एपिसोड में हमारी लाइफ में माइकल विलन बन के आया, जो कि डेविड के चक्कर में है। ऊपर से और भी बहुत सारी चीज़ें हुई वगैरह वगैरह। अगर आप लोगों ने सुबह वाले एपिसोड चेकआउट नहीं किया, उसको चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि माइकल अपने होश में ही नहीं है। वो अजीब सा हो चुका है, मॉन्स्टर बन चुका है, बार बार अटैक मेरे ऊपर करता है, कभी किंग डेविड के बेटे के ऊपर करता है, और ऊपर से डेविड के ही वो कब्जे में है, और डेविड अपने बेटे को मरवाने में फिर से लगा हुआ है। जो भी है, जल्दी सारे सॉल्यूशन होने वाले हैं, क्योंकि लेस्टर लगा हुआ है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी अमेंडा से शादी करनी है, तो वो बहुत जल्दी से माइकल को मारने की कोशिश करेगा। वो कभी नहीं सुधरेगा। हसमुख चाचा भी सुधर जाएगा एक बार, बट ये लेस्टर कभी नहीं सुधरेगा। वो कहते हैं ना, लेस्टर को उल्टा लटका के 200 साल डंडा बजाया जाए, तब भी लेस्टर लेस्टर ही रहेगा। वो कभी नहीं सुधरेगा। वो तब भी 200 साल बाद यही बोलेगा कि ट्रेवर में तेरे घर में है ना कोंडा छोड़ दूंगा। वो ऐसा ही है और वो ऐसा ही रहेगा। तभी तो उसका नाम लेस्टर है, सोच करके उसका नाम भी रखा जीटी वालों ने। खैर छोड़िए भाई, अपना लेस्टर तो लेस्टर ही है, उसको छोड़िए। पॉइंट ये है कि माइकल बहुत दुखी करके रखा है, बट कोई बात नहीं, मैं उसको जल्दी सही करने की कोशिश करूंगा। बट माइकल ने एक बात मेरे को समझ नहीं आई, मेरे ऊपर एक बार भी अटैक लेगा लास्ट में, कुछ तो गड़बड़ है। जल्दी मेरे को सारा रास्ता पता करने पड़ेंगे। एंड ये टाइगर्स कोई नई चीज़ आई है भाई लाइफ में, पता नहीं क्या चीज़ है। 3 टाइगर जिसको ढूंढ रहा है माइकल, एंड डेविड मुझसे कुछ करवाना चाह रहा है। बोल रहा है कि ट्रेवर तू कर दे, तेरा फायदा होगा, बाद में फिर मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा, जैसे कोई आने वाला हो। अब इनके अलावा और कौन आएगा यार? ये सबसे बड़े मेन विलन है मेरी जिंदगी में। अपना प्यारा ट्रेवर भाई आ चुका है, मेरे पास आर्मी का भी फोन आया तुरंत अभी। आपको बताइए यहाँ पर ट्रेवर करके आ रहा है। अगर आपने सुबह का एपिसोड चेकआउट किया होगा फर्स्ट चैनल पर, तो यहाँ पर माइकल उल्टे काम करके भाग गया था एक कार्गो प्लेन से, एंड पता नहीं कौन आया था कार्गो प्लेन को उड़ाता हुआ, जो उन दोनों को लेकर के चला गया। अब जो भी है वो तो मेरे को बाद में पता लग ही जाएगा, बट अभी अभी आर्मी का फोन आया, बोल रहे ट्रेवर से एक जगह बहुत भूखा लड़ाई बज रही है, आप फटाफट से आइए। मैंने बोला चिंता मत कीजिए, अभी पहुंच रहा है ट्रेवर 2 मिनट में। पता नहीं अब किसने अटैक कर दिया, डेविड ने किया है फिर किसने किया, पक्का नहीं बोल पाऊंगा, बट अटैक तो किया। देखो ड्रैकुला कुछ करने के लायक नहीं है, आपको बताइए अगर कुछ करेगा या कुछ प्लानिंग बनाएगा, बिग माफिया तुरंत मेरे को एकदम से अलर्ट कर देगा सारी चीज़ें। आपको बताइए बिग माफिया मेरे लिए काम कर रहा है, मैंने आपको बताया था सुबह सारी चीज़ें, बहुत सारे कमाल काम कर रहे हैं। अरे भाई बहुत बड़े बड़े प्लेन आ रहे हैं हमें तो अटैक करने के लिए, किसी ने बदतमीजी कर दी। 1 सेकंड जरा मेरे को जाना पड़ेगा, ड्राइवर जल्दी निकल, बड़े बड़े कार को प्लेन है ये तो अच्छी बात है। बंदों ने मेरे को देखा नहीं भाई, ऊपर से निकल करके जा रहे हैं। इसको देख कर पबजी वाले प्लेन की याद आ गई मेरे को, बिल्कुल सेम इसी टाइप का प्लेन होता है वो। चलिए ओके भाई, पहुँच गए, सामने की तरफ लड़ाई हो रही है, बस देखा जाए कि कौन से बंदे हैं। आर्मी आई है वैसे मेरी हेल्प करने के लिए, दुश्मन पार्टी के बंदे कौन सी गैंग के, डेविड के, ड्रैकुला के, फिर और कोई के, वो मैं देख लूँगा, वैसे कोई और भी हो सकता है। चलिए ड्राइवर जी आ गए हैं हम जगह पर, अब ज़रा कमाल दिखाइए, अपना यहाँ पर गाड़ी को लगाइए। एंड भाई बंदे बहुत है हाईवे पर है भाई, मेन हाईवे पर, यहाँ पर कम बंदे हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ मैप पर, हाईवे पर ज़्यादा बंदे हैं। लो मैं इस वाले रोड को क्रॉस करते सीधा हाईवे पर भी आ जाऊँगा। एंड अब देखते हैं हमारे बंदे वैसे हार में है भाई, यहाँ पर दुश्मन ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को, एंड अपने बंदे बहुत कम लग रहे हैं। कोई बात नहीं, ड्राइवर आ गया एलियन गन के साथ, सारा का सारा कमाल दिखाऊंगा अभी 2 मिनट में। चलिए ड्राइवर जी ज़रा काम शुरू कीजिए, हाईवे पर तो आतंक उतर के रखा है, बहुत बढ़िया भाई, नमूनों के सरदार, आती अटैक इतने बड़े हो गए तुम लोग, जल्दी हो, बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू ब्रो हेल्प करने के लिए। वाह भाई मेरे आते मेरे बंदे जीत गए, पहले सारी सर रेड डॉट थी हाईवे पर, अब ग्रीन डॉट्स आ चुकी है, आप देख रहे हो मेरी आर्मी में दम तो बहुत है। ले बेटे भाई कैसे कहाँ जा रहा है, इसको ले करके खत्म कर दिया, पड़े पड़े भी ओके मर चुका है। ओके इधर से कोई और बंदा आ रहा है अटैक करने के लिए, जैसे मैं देख पा रहा हूँ गाड़ी है, पैदल है बंदा, क्या है शायद प्लेन है वगैरह वगैरह, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। नहीं भाई पैदल है बंदे, पैदल है ये, ले जाए इधर देख इधर देख फटाफट से, एक काम करते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा इस वॉर को करने में, थोड़ा टाइम जाएगा इसलिए मैं, अरे भाई अपने बंदे को उड़ा दिया इस नमूने ने, अबे गाड़ी चलाना सीख, पता है तेरी जॉब चल जाएगी, जंग में अपने बंदे को घायल कर दिया, बदतमीज बंदा। चलिए ठीक है भाई, थोड़ा इंतजार करते हैं, चेक करते हैं क्या चल रहा है, किसके बंदे हैं। लड़ाई अभी भाई बहुत लंबी चली जा रही है, क्या पता कब तक चलेगी। मैं निकल रहा हूँ जरा कुछ बाला वाले बंदों के पास इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ग्रोव स्ट्रीट पर, क्योंकि मेरे को शक है शायद से कुछ जानते हैं माइकल के बारे में, ऐसे लेस्टर ने बोला है, तो चलिए जाकर के उसे इन्फॉर्मेशन निकलवा देता हूँ। रही बात इनकी, इनको बाद में देख लेंगे, जल्दी ट्रेवर प्रो फटाफट से पहुँच, ये जंग चल रही है, मेरे को बाद में आर्मी अपडेट दे देगी कि आखिर किसके बंदे थे, क्यों अटैक करने के लिए आए थे, वो मेरे को बाद में इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। मैं ज़रा अपना प्राइवेट काम पर ध्यान देता हूँ, जो मेरा मेन काम है, डेविड का बेटा माइकल एंड विक्टर, इन 4 के बीच में अटक गया हूँ मैं आकर के, मेरे को जल्दी सब कुछ सोल्व करना पड़ेगा। पहुँच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, ग्रोव स्ट्रीट पर, चलिए बंदों से बातें कर लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बाला वाले बंदो, कैसे हो, कहाँ पर हो, ओके ये रहे। देखो कभी कभी धोखा देते हैं, कभी कभी बता देते हैं, तो इसलिए देखते हैं अब की बार क्या बोलेंगे।
पिटाई मांगे तो पिटाई कर देंगे, प्यार से बताएंगे तो प्यार से पूछ लेंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इन्फॉर्मेशन ले लिए, बंदे बोल रहे ड्राइवर सर आप आए हमें बुला लेते, मैंने बोला इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें बुलाओ फिर वेट करूँ, मैं खुद ही आ गया। बोल रहे सर आप तो गैंगस्टर डिसिप्लिन के बॉस हो, हम पंगा थोड़ी लेंगे आपसे, और रही बात माइकल सर की, फिलहाल तो हमें नहीं पता कुछ भी इनके बारे में, बट आप बोलोगे तो निकाल लेंगे इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला निकाल लो, बताया मैंने ये बाला वालों को काम क्यों दिया, क्योंकि बाला वाले बंदे ऐसी गैंग है वो बहुत खतरनाक खबरी होते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी खबर निकाल लेते हैं, चाहे कोई छोटा गैंगस्टर हो चाहे कोई कितना ही बड़ा गैंगस्टर हो, दुनिया का सब इन्फॉर्मेशन रहती है नमूना के पास में। वो चालाक होते हैं अंदर अंदर, मानता हूँ करते कुछ नहीं है, दिखाते कुछ नहीं है, बट अप टू डेट होते हैं, इनको पता सब रहता है चल क्या रहा है। टैबी से बात करिए, मैं माइकल का नया नंबर ट्रैक करवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को माइकल को जल्दी ढूंढ निकालना पड़ेगा दोबारा से, वहाँ पर मैं गया तो था ढूंढने के लिए, बट वहाँ पर तो कुछ अलग ही लेवल हो गई, क्योंकि आपको बताइए माइकल ने बेटे के ऊपर अटैक कर दिया डेविड के, एंड वो दोनों को चिपका के कोई कार्गो प्लेन से ले गया। अब जैसा भी है वो मैं चेक कर रहा हूँ, ड्राइवर जल्दी से निकल आ गई तरफ, फिर ठीक है भाई पहुँचता हूँ मैं इस वक्त आरी बेस पर, डेवी से बात करता हूँ, देखते हैं उसका नया नंबर ट्रैक कर सकते हैं नहीं कर सकते। पहुँच चुका हूँ मैं आरी बेस पर, तो डेवी मेरा वेट कर रही है, मैंने आते ही फ़ोन कर दिया था, नया नंबर भी सेंड कर दिया था, तो देखते हैं कि आखिर उसने कुछ हेल्प करी या कुछ कर पाई नहीं कर पाई। डेवी से बातें हो गई है, नहीं भाई बोल रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक नंबर है ड्राइवर, शायद से स्पेशली बना के रखा है, इसने बनाया है इस नंबर में, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा के रखी है। आई फ्यूचर सॉफ्टवेयर फिलहाल थोड़ा पहले से बेटर हो चुका है, बोल रहे हैं कि आई फ्यूचर से हमने ट्रैक करा लिया, लोकेशन मिली नहीं रही, उल्टा लोकेशन हमारे आ रही बेस पर यार ये बार बार घूम करके, हम कुछ नहीं कर पा रहे इस नंबर के बारे में, बहुत ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी लगा के रखी है किसी ने इसको। मुझे लगता है गैंगस्टर डिसिप्लिन का काम है, क्योंकि अभी तक डेविड वापस आ चुका है, तो डेविड ने देखो मेरे को ऑफिशियली तो बॉस नहीं हटाया, बट क्या पता वो नमूना मेरी मतलब कि मेरी गैंग की हेल्प ले रहा हो, मेरे हैकर्स की हेल्प ले रहा हो, कि उस नंबर को कोई ट्रैक ही ना कर पाए। अब जैसा भी होता पता लग जाएगा, ड्राइवर निकलो। कमाल हो गया भाई माइकल का फ़ोन आया है खुद ही, मैं तो उसको ढूंढ ही रहा था, मेरे पास खुद ही आया मिलने के लिए, बोल रहा है ड्राइवर तुझसे मिलना चाहता हूँ दोबारा से आज लेट वक्त। मैंने बोला आ रहा हूँ ब्रो आ रहा हूँ, चिंता क्यों कर रहा है, तो ठीक है चलिए पहुँचता हूँ भाई माइकल से मिलने के लिए। अमेजिंग यार लड़ाई करने आएगा दोबारा से, वैसे सुबह तो उसने मेरे ऊपर अटैक बिल्कुल भी निकला, उसमें आपको याद है वो चाहता तो कर सकता था, बट उसने एक बार ही मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, पता नहीं अब क्यों आया मिलने के लिए। पहुंच चुका हूँ माइकल से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर, बंदे के हाथ में RPG, राम प्रकाश गुप्ता की हेल्प लेकर खड़ा हुआ है यहाँ पर। हेलो माइकल ब्रो, अरे डाउन कर ले यार डाउन कर ले, मैं कौन सा तुझे मारने आया, तू दोस्त है अपना, ज़रा बताने कष्ट करेगा यहाँ पर क्यों आया। देख माइकल दोस्त है तो दोस्त ही रहे, दुश्मनी मत बड़ा भाई आगे, तूने सुबह उसके ऊपर अटैक किया RPG से, मेरे को बस समझ नहीं आई। दिमाग पर जोर मत डाल ट्रेवर, कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरा काम प्यार से कर दे, मुझे टाइगर्स दे दे ट्रेवर, क्योंकि मालिक ने कहा अगर टाइगर्स नहीं मिले तो बुरा होगा, मालिक ने साफ साफ मना किया है, चाहे कुछ भी हो जाए ट्रेवर को हाथ भी नहीं लगाना। सच बता रहा हूँ ट्रेवर, कसम मेरे मालिक की अगर एक बार मेरे को बोल देते तो तेरे को यहीं पर इतना बुरा मारता कि तू तो चुपचाप मेरे को टाइगर ला करके दे। और खुशी मना कि उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि ड्राइवर को टच भी मत करना, प्यार से सारे काम कर, चुपचाप बता दे कहां पर है सारी चीजें, नहीं तो ऐसा होगा मैं खुद नहीं रोक पाऊंगा। ये माइकल कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहा भाई, आप देख रहे हो इसको, मतलब ये नमूनों का सरदार मुझे मारेगा, बोल रहा है ड्राइवर को खत्म कर दूंगा, अगर मालिक ने ऑर्डर दिया होते तो तेरे को मैं खत्म कर देता। अगर जस्ट इमेजिन ड्राइवर वर्सेज माइकल हुआ तो कौन जीतेगा, सिंपल सा आंसर है यार ड्राइवर जीतेगा। अभी मन किया था घुसा मारूंगा इसको, उन पेड़ों में जाकर गिरेगा बीच में, बट दोस्त अपना, और मैं कभी नहीं चाहता कि ट्रेवर वर्सेस माइकल दोबारा से हो, बहुत टाइम पहले हो चुका है, बट अब वो बात नहीं है, मैं समझता हूँ अब मैं देखो किसी दुश्मन के चक्कर में अपने दोस्त को नहीं पीटूंगा, ये मुझे पीटना भी चाहिए मैं तब भी नहीं पीटूंगा, ट्रेवर वर्सेस माइकल कभी नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा अगर फ्यूचर में कभी सिचुएशन आई तो देखेंगे, बट अभी सिचुएशन कोई ऐसी ख़राब नहीं है। माइकल पर गुस्सा क्यों होता है, तेरे को चाहिए ना टाइगर वगैरह जो भी है मैं लाता हूँ ना। कमाल है भाई, इसको तो इतना ज़्यादा खतरनाक कंट्रोल में करके रखा है किंग डेविड ने, इतना ज़्यादा खतरनाक कंट्रोल करके रखा है, इसको समझ नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि मालिक ने मुझे बुलाया, नहीं तो सच्ची में मालिक की कसम तेरे को बहुत मारता मैं। डेविड तो यार कमाल ही कर बैठा, माइकल को ऐसा बना दिया उसने, कैसे बनाया यार, हिप्नोटाइज करके या कोई टेबलेट दिया क्या दिया इसको, कोई चिप लगाई इसके पीछे भी, जो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा, यहाँ से निकलता हूँ जो भी पता लग जाएगा। लेस्टर का फ़ोन आया, लेस्टर मेरे को बोल रहा है तो अभी माइकल को इग्नोर कर, कि टाइगर्स क्या चीज़ है ये पता करने की कोशिश कर, तो एक काम कर सर्वर फैसिलिटी में जा, वहाँ पे तेरे पापा की बहुत सारे डेटा है पुराना, रॉबर्ट फिलिप्स साहब को बताएगा अपने टाइम पर बहुत बड़े बदमाश थे गैंगस्टर थे, तो उनकी पुरानी फाइलें सर्वर फैसिलिटी मिल जाएगी। चलिए भाई वहाँ पे जाकर के ट्रेवर के पापा की कुछ हिस्ट्री चेक निकालते हैं, क्योंकि उनके पापा का लॉकेट है
तो क्या पता कोई टाइगर्स के बारे में कुछ बात होके रखी हो वहाँ पर, अगर होगी तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। पहुँच चुका हूँ भाई मैं लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट सर्वर फैसिलिटी में। फिलहाल जल्दी ट्रेवर आगे निकल, मैं बहुत जल्दी से भी खरीदने वाला हूँ, मेरी बात चल रही है। अब तो मेरे को मिल जाएगी बात, कोई इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि शहर अपना सब कुछ अपना, अब तो मैं कुछ भी खरीद लूँ कोई मना नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए परेशान होता है बेचारा एक दो दिन, उसके बाद मैं हार पीट के मेरे को सारी चीज़ अपने नाम हो जाएगी। ये तो वैसे भी गवर्नमेंट की चीज़ है, इसको तो मैं जल्दी ले लूँगा। लॉस सैंटोस गवर्नमेंट फैसिलिटी जैसे आप देख रहे हो, नीचे निकलता हूँ। फिलहाल अभी खरीदने नहीं आया, अभी सिर्फ अपना डेटा निकालने आया हूँ। ड्राइवर आगे बढ़ भाई, पहुँच चुका हूँ नीचे की तरफ। बहुत बड़ा सर्वर फार्म है भाई एक तरीके का, इतना ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे डेटा रखा जाता है सारी चीज़ें, तो गवर्नमेंट की फैसिलिटी, ट्रैवल को कोई मना नहीं कर सकता आज के डेट में आने के लिए। मैं यहाँ पे आराम से आ सकता हूँ। तो मेरे प्यारे ड्राइवर जल्दी से पेन ड्राइव लगा, डेटा चेक कर, देखते भाई आखिर किस फाइल में कोई सी ऐसा डेटा है रॉबर्ट फिलिप्स के हिसाब से जो कुछ भी उनके नाम पर बस कोई मेरे को टाइगर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मज़ा आ जाएगा। चेक करते हैं। ये ट्रैवल के पापा ऐसे ऐसी चीज़ें छुपा के गए भाई ट्रैवल से, मेरा काम बढ़ के रखा है बहुत ज़्यादा। मेरे को टाइम लगा 15-20 मिनट मेरे को लगी, मैंने तसल्ली से चेक किया डेटा, भाई टाइगर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ इतनी बात है कि ट्रैवल के पापा जो मतलब कि रॉबर्ट फिलिप्स जो है उनके पास बहुत एक खास लॉकेट था जिससे बहुत सारी चीज़ें खुलती है, ये डेटा मिला है वो मैं ऑलरेडी बट पहले से जानता हूँ, बट गवर्नमेंट भी इस चीज़ के बारे में जानते। कमाल तो ये है ना भाई, इनको भी बताया रॉबर्ट फिलिप्स के लॉकेट के बारे में, ये लॉकेट बड़ा फेमस है, इसका मतलब ड्राइवर के पास तो बचपन से था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लॉकेट आखिर किस किस चीज़ में काम आएगा। बाहर आते ही कुछ नमूने बंदे मेरे ऊपर अटैक करने लग गए, पता नहीं कौन है भाई। मैंने तो अपनी गाड़ी उठाई और मैं यहाँ से निकल गया। इससे पता चलता है कोई बंदा मुझे फॉलो कर रहा है पल पल, ज़रूर इसी वजह से कुछ ना कुछ तो गड़बड़े। कोई नहीं चाहता कि मैं इस चीज़ से गहराई तक पहुँचूँ। देखो डेविड तो ये चीज़ नहीं कर रहा, कोई और ही कर रहा है भाई, क्योंकि डेविड इस चीज़ को तो चाहता है कि मैं उसको दे दूँ टाइगर। कोई और ऐसा बंदा है नमूनों का सरदार जो नहीं चाहता? तब तक डेविड के अलावा कोई और तो है, पता लग जाएगा। ट्रेवर बोलो जल्दी से निकलो, मेरे पे इतना टाइम नहीं, देखो मैं सभी बंदों को मारूंगा। अपनी खुद आया थकने के लिए तो थको, मैं तो निकल के अपनी गाड़ी को छुट्टा पे लेकर के लेस्टर को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि लेस्टर मेरे प्यारे भाई प्लीज़ अब तू ही कुछ कोशिश कर, डेटा यहाँ पर कुछ नहीं है टाइगर्स के बारे में। मेरे पास डेबी का फ़ोन आया भाई, डेबी बोल रही है ट्रेवर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है माइकल के बारे में, तुम आ जाओ माइकल को सही करने का तरीका मिल गया। चलिए भाई इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, इससे पहले माइकल को छुट्टा सीधा काम करे मेरे को उसको रोकना पड़ेगा। एंड डेवी बोल रही है उसको रोकने का एक इलाज है, मिल गया। चलिए तो माइकल को अभी हम लोग सही कर सकते हैं, उसके बाद डेविड की आधे की चीज़ें कम हो जाएगी। डेवी से बात कर लिए, सबसे पहली चीज़ माइकल को किडनैप करना पड़ेगा। उसके बाद इनके पास एक ऐसा डिवाइस है जो उसके ब्लड में खराबी होकर रखी थी, जिसकी वजह से उसके ब्लड में कुछ डाला गया था ना, उसको नॉर्मल किया जा सकता है। मिलिट्री ने एक एक्सपेरिमेंट किया है फिलहाल स्पेशली प्रेजिडेंट माइकल को ठीक करने के लिए। आपको बताइए वो प्रेजिडेंट है भाई, इसलिए आर्मी ने 4-5 दिन के अंदर रिसर्च करके ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे माइकल के माइंड को दोबारा से नॉर्मल किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है माइकल का माइंड कंट्रोल में है डेविड का, किसी वजह से कोई चीज़ उसने छोड़ी है उसके अंदर, बट उससे मतलब हम उसको क्योर कर सकते हैं, तरीका मिल गया। बस हमारे पास सिर्फ माइकल होना चाहिए, और माइकल एक बार मिल गया तो काम ख़त्म हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है डेवी, तो थोड़ी देर पहले मेरे को एक बात बता दी तो माइकल मेरे को मिल ना जाता, उसको तोड़ ही लेता वहाँ पर जा करके तो मज़ा ही आ जाता भाई। तो एक काम करते हैं, अगर माइकल ने फिर से मेरे को आपकी बार बुलाया तो मैं उसके बाद आपकी बार अटैक करूँगा एंड उसको लेकर के निकलूँगा, क्योंकि मेरे को तरीका मिल गया उसको ठीक करने का, सबसे बेस्ट है भाई। एक बार माइकल मिल जाए उसके बाद आर्मी उसको सही कर लेगी। हमें अपना लक साथ दे रहा है भाई, माइकल का फिर से फ़ोन आ गया मेरे पास में, बोल रहा है ट्रेवर तुरंत आया तो उससे मिलना है। मैंने बोला आ रहा हूँ भाई, ये तो वो वाली बात है, इतना अच्छी किस्मत ढूंढ रहा था और खुद ही फिर आ गया, फिर से उसी जगह पर बुलाया था मेरे को एयरपोर्ट पर ही। बार बार बुला रहा है कि जगह मिलने के लिए, आपकी बार क्यों बुला रहा है भाई, इतना टाइम तो उसने दिया था मेरे को, बोला था कुछ दिन का टाइम है तेरे पास में। माइकल के पास में आ चुके, कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, आते ही बंदे ने RPG चलाई मेरे ऊपर। अबे नमूने पागल हो गया, बात तो सुन मेरी, मैं बात करने आया हूं। इसको पता लग गया कि मैं इसको यहां पे किडनैप करने आया हूं, पकड़ने आया हूं, इसका मतलब इसको पता लग गया। माइकल देख अटैक मत कर, दोस्ती है, मैं तेरे को नहीं मारना चाह रहा बिल्कुल भी, तेरे को पता है मैंने अगर बजाना शुरू किया ना तो सच बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा तेरे साथ में। राम प्रकाश गुप्ता जी को नीचे रख, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, मेरे को ना इसका इलाज करना आता है। माइकल ब्रो शांति पकड़ ले, मैं कह रहा हूँ सच्ची है। अरे भाई माइकल गोली मारी मैंने, लगता है बुलेट प्रूफ सूट पहन के रखा है, कुछ नहीं हुआ नमूने को, पैर भी बड़े मजबूत हो गए। अबे क्या करके रखा तूने, कुछ तो किया है डेविड ने इसके साथ, कुछ तो किया है डेविड ने माइकल के साथ, माइकल को डैमेज नहीं कर पा रहा यार। एलियन गन आ रही है माइकल, बेटे बच के दिखा, घायल हो जाएगा, फिर लेकर निकलता हूँ। ले बेटे आया मजा, आस पास के पेड़ निकल गए बट माइकल को कुछ नहीं हुआ, काम खराब हो रहा है इसका मतलब डेविड भैया ने माइकल को कुछ ऐसा कर दिया कि मैं इसको शांत नहीं कर सकता।
नॉर्मल माइकल में इतना दम है ही नहीं। नॉर्मल माइकल तो मच्छर की तरफ पिट जाता है कि सभी। नहीं, माइकल मेरी बात सुन। अबे मान मतलब मजाक कर रहा था भाई, मामला सीरियस हो गया है, अब नहीं हो पाएगा। माइकल को छोड़ के ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि इसको किडनैप करना थोड़ा मुश्किल है। स्मोक बॉम्ब ट्रेवर, जल्दी 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 जल्दी, क्या पता इससे कुछ काम बन जाए। ये ले बेटे, तेरे को बेहोश करूंगा। माइकल ब्रो आराम से इसको बर्दाश्त, मतलब के तूंग ले थोड़ा सा और बेहोश हो जा फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। अगर ये काम नहीं करा तो करंट मारूंगा। अरे बच गया भाई, ये तो मेरे को मारना चाह रहा है बड़े प्यार से। माइकल सूंग 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 बेटा इसको जल्दी से और बेहोश हो जाए यहाँ पर। अगर ये चीज़ काम नहीं करेगी तो फिर स्टन गन निकालने वाला हूँ मैं, जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे को सारी चीज़ ट्राई करनी है। मैं देखना चाहता हूँ माइकल को कितना पावरफुल बनाया है आखिर डेविड ने, क्योंकि ये माइकल पागल हो गया है। अरे भाई दोस्त हुआ तेरा चले बेटे। अरे कुछ नहीं हुआ करंट से, कुछ नहीं हुआ करंट से, कुछ नहीं हुआ। अरे रुक जा एक सेकंड, दूसरा लगवा ले, दूसरा लगवा ले, आराम से कूद कूद बैठ गया, बहुत बढ़िया। ये ले बेटे आया मजा, चल चल फटाफट से भाई। नहीं करंट से कुछ नहीं, अब तक तो इसकी हालत खराब हो जानी चाहिए थी, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ इसकी हालत खराब हो जानी चाहिए थी, बट ये मेरी खराब कर देगा। नहीं भाई कोई फायदा नहीं है, माइकल को छोड़ कर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। ना 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 ना, करंट भी लगा लिया, धुआं भी छोड़ दिया बेहोश करने का, बट माइकल को नहीं मार सकते। डेविड ने इसके ऊपर कुछ खतरनाक चीज़ करी है जिससे इसकी पावर पहले से ज़्यादा हो गई है, कुछ तो गड़बड़ है। माइकल यार देखो, ये मत सोच रहा कि मैं हार गया, बस मैं चाहता नहीं इसको बुरी तरीके से पीटो, नहीं तो मैं दो मिनट गाड़ी से टक्कर मार के इसको सीधा कर सकता हूँ, बट मेरा दोस्त है। मेरे को सिर्फ ये देखना था कि माइकल में कितनी पावर्स आ गई है, माइकल पहले से काफ़ी पावरफुल बन चुका है, नहीं तो मैं इसको दो मिनट टक्कर मारे घायल कर सकते, जैसे मैंने इसको भी मारे घायल करा, बट उससे भी कोई कब्जे में नहीं आएगा ना। ये बेहोश भी नहीं हुआ, ये करंट से भी नहीं हुआ, कुछ भी कुछ तो गड़बड़ है। ये असली माइकल है भी है नहीं भी, कोई भरोसा भी तो नहीं ना डेविड का। ये डेविड बहुत चला गया, रोड भेजता बहुत बार, बट जो भी है भाई ये मेरा प्लान फेल हो गया। माइकल को पकड़ना तो मुश्किल हो रहा है, जो भी है मौका मिलेगा हमें, फिलहाल आज मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, किसी दिन मौका मिलेगा, जिस दिन माइकल को पकड़ के मैं नॉर्मल करवा दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास इलाज आ चुका है, बस इसको पकड़ के बेहोश करना है, भंडार में इसको नॉर्मल कर दे और निकल यहाँ से। डेविड मेरे से दोबारा से उसी बेस पर मिलना चाहता है, अमेजिंग भाई। जल्दी पहुँचता हूँ, लेट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। बट एक बात मेरे को अभी भी समझ नहीं आई, माइकल ने मेरे को बुलाया पर आती अटैक क्यों किया यार, ये बात बिल्कुल अजीब है लगा, समझ नहीं आ रही। वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा था पर फिर से उसने मेरे ऊपर अटैक किया, आती अटैक किया, बातचीत में तो नहीं करी, मैंने तो कुछ किया भी नहीं उसके साथ में, सिर्फ मैंने सोचा उसको किडनैप करना, उसको थोड़ी पता थी ये बातें। जो भी चले डेविड से मिलते हैं, डेविड दोबारा से उसी जगह में से मिलना चाहता है, आपको याद है सुबह वाले एपिसोड में झाबर में गया था ना, डेविड वहीं से मुझसे मिलना चाहता है। जगह पर पहुंच चुका हूँ डेविड, फिर से सेम उसी जगह पर है जहाँ पर हमें सुबह मिला था, फिर से होलोग्राम में आया है नमूना शायद से, मुझे लगता है, वैसे उसने बताया नहीं मेरे को फोन पे सारी बातें, बट यहीं पर है नमूना। हेलो डेविड, ओके फिलहाल आ गया। हेलो डेविड भाई जी कैसे हो, फिर से आ गए, शर्म नहीं आती, अब क्या धमकी दोगे मुझे, ये माइकल मेरे ऊपर अटैक करता फिर रहा है, क्या करना क्या चाह रहा है माइकल, तुम जरा बताओगे मुझे। ड्राइवर क्या बात कर रहे तुम, माइकल तुम्हारे ऊपर क्यों अटैक करेगा भाई, मतलब ही नहीं बनता, वो मेरा बंदा है और वो मेरे कहे बगैर कोई काम नहीं करता। माइकल तो फिलहाल तुम्हारे पास से मिलके चला गया एयरपोर्ट से, फिर कब अटैक हुआ, कोई और होगा ड्राइवर तो बेवकूफ बना रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो ड्राइवर, देखो दिल से बोलूंगा झूठ नहीं बोल रहा, लाइफ में पहली बार तुमसे सच बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है ड्राइवर किसी एक काम में, प्लीज उससे तुम्हारा फायदा ही होगा, प्रॉमिस करता हूँ उससे तुम्हें नुकसान नहीं होगा, प्लीज मेरी बात मानो ड्राइवर, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मुझे लेकर के चलो, मैं वापस चलने के लिए तैयार हूँ उसी सेल में। पर ड्राइवर एक बात बता दूँ, सब खत्म हो जाएगा, मैं तुम हम सब मर जाएंगे अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ ड्राइवर, तुम्हें भरोसा रहिए तो चेक कर लो, कोई होलोग्राम नहीं है, मैं रियल यही पर हूँ, मेरी बात मानो ड्राइवर, मेरा साथ दो प्लीज, रिक्वेस्ट है तुमसे बहुत जरूरी, एक दोस्त की तरह तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमेशा तुमसे झूठ बोलना पड़ रहा, सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी है ड्राइवर, चाहो तो मुझे हमेशा के लिए फिर से कैद कर लो उसी जेल में ले आकर के, बट उससे तुम अपना सब कुछ खो बैठोगे, तुम्हारा बहुत फायदा होगा ड्राइवर, मेरी बात मानो प्लीज। डेविड से बात हो गई, बंदा कभी कभी बड़ी इमोशनल बात बोलता है, बोल रहा है ड्राइवर में असली हूँ भाई, ये नकली नहीं है, होलोग्राम नहीं है, मैं टच हो रहा हूँ इससे, असली बंदा है किंग डेविड, खुद ही आया है, बोल रहा है ट्रेवर अगर भरोसा नहीं तो चलो मेरे को ले करके चलो, पहले बंद कर दो बट हमेशा के लिए अपने आपको नुकसान कर लोगे। और ये बोल रहा है जो बंदा माइकल मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया था वो असली नहीं था, इसने माइकल को एक बार ही मेरे ऊपर अटैक करने के लिए नहीं भेजा, फिलहाल इसने अपने बेटे वाली बात तो बताई नहीं है, बट ये बोल रहा है कि ट्रेवर तुम्हारा इतना फायदा है, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी अगर तुमने मेरी बात मानी, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। यार वैसे डेविड इतने कच्चे काम नहीं करता, एक बार यार सोच लेते हैं इसकी बात भी, क्योंकि क्या पता सच बोल रहा हो, 1% अगर सच बोल रहा होगा तो फिर नुकसान हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये आ गया मेरे सामने और चलने के लिए खुद तैयार है, बोल रहा है मैं तो सेल में लेकर के जाओ और बंद कर दो मेरे को यार, देखा जाए तो। और वैसे अब तक इसने मेरे नुकसान भी नहीं किया ना, ना अब तक इसने मेरे को बॉस की सीट से हटाया,
ना ऊपर अटैक करवाया, ये बोल रहा है मैंने तो एक बार भी अटैक नहीं करवाया। तो फिलहाल डेविड तो शरीफ ही लग रहा है मुझे भाई, जो भी अब देखो प्लान है नहीं है, बट इसको थोड़ा एक मौका देते हैं, देखते हैं क्या करना चाह रहा है, क्योंकि वैसे भी जेल में बंद करके मैं इसको कौन से कुछ कर लेता हूँ, तब भी वहाँ पर ये ऐसे ही खड़ा रहता है। अगर आज सच बोल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। डेविड बेटा जब सोचता हूँ मैं, मेरे को एक थोड़ा टाइम दे, सुबह बताता हूँ तेरे को मैं, ठीक है? मतलब थोड़ा टाइम दे मेरे को, सुबह तो होने वाली है, थोड़ी देर में बताता हूँ। वैसे रिस्क बहुत लिया है भाई डेविड ने, रियल वाला है, मिलने खुद ही आ गया। अगर खुद आया तो सच में काफ़ी बड़ी बात है, और इसकी बातों से मुझे सच्ची में ऐसा लगता है कि डेविड पहली बार किसी से डर रहा है बहुत बुरा। किससे डर रहा है डेविड भाई? ये डेविड तो डरता ही नहीं किसी चीज़ से भी, कुछ तो गड़बड़ है दया। जल्दी ट्रेवर निकल यहाँ से। एंड वो माइकल फर्जी, मैं तो सोचा मेरा दोस्त है, नहीं तो बहुत बजाता मैं उसको भाई, इसने बोला वो मेरा दोस्त है ही नहीं। जो भी है, चले डेविड ने अब कन्फ्यूज़ किया यार, अब तो लगता है इसकी बात माननी पड़ेगी। आखिर देखता हूँ ये चाहता क्या है। तो इन वन काम करूँगा, इसके ऊपर शक भी रखूँगा और इससे काम भी करूँगा, अगर मेरे को काम समझ में आया तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है, माफिया का फ़ोन आया, चलिए उससे मिल लेते जा करके। बोल रहा है ट्रेवर आ जा भाई फटाफट से, तुझसे बहुत ज़रूरी बातें कर। मैंने बोला ठीक है आ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, क्या हो गया? तो चलिए पहुँचता हूँ मेरे प्यारे भाई की बिग माफिया से मिलने के लिए। वो दोबारा से आ चुका है, ड्रैकुला सो रहा होगा। आपको बताइए, जब ड्रैकुला सो जाता है तो तभी वो आता है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि ड्रैकुला को शक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि बिग माफिया मेरी टीम में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पहुँचता हूँ, पहुँच चुका हूँ मैं बिग माफिया के पास। हेलो बिग माफिया ब्रो, कैसे हो, क्या हाल चाल है? हाँ भाई बोल फटाफट से। एक और झटका, बिग माफिया ने बोला ड्रैकुला बेटा नहीं है डेविड का। यार पहले पता लगता है उसका भाई है, फिर पता लगता है उसका बेटा है, और अब ये बोलता है वो बेटा भी नहीं है, तो वो है क्या फिर? तू नज़र रख उसके ऊपर यार, ये बंदे बहुत झूठे हैं यार, मेरे को जल्दी पता करना पड़ेगा। तो ड्रैकुला उसका बेटा भी नहीं है, फिर ड्रैकुला ने तो खुद ही बोली थी ये बात मेरे को, इसको पता लगा है, देखो ये सच बोल रहा है, ये मेरा बंदा है, ये उसके ऊपर नज़र रख के घूम रहा है यहाँ पर। अब जैसा भी है जो भी है, मेरे को फटाफट से पता करना पड़ेगा। ट्रेवरो जल्दी से जगह पर निकलो, जल्दी से जगह पर निकलो, क्योंकि बिग माफिया ने खबर दी है। बहुत ज़्यादा मैंने बिग माफिया को पीछे लगा के रखा है ड्रैकुला के, इतने दिन के बाद तो एक इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकाली है इसने, और कमाल की है। तो इसका मतलब किंग डेविड भी झूठ बोल रहा है एंड ड्रैकुला भी। बट अब यहाँ पर जो डेविड ने मेरे को बात बोली है वो सच्ची है झूठी है वो पता लग जाएगा। अब मेरे को जल्दी पता लगने वाला है कि आखिर कौन आने वाला है लॉस सैंटोस में, एंड किससे मिलने वाला है डेविड, एंड क्यों इतना डर रहा है। शायद से नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को पता लगने वाला है, काफ़ी सारी हमारी वो कहते हैं ना, काफ़ी सारे सस्पेंस खुल जाएंगे, एंड बहुत सारी जितने भी आपको डाउट थे वो सब क्लियर हो जाएंगे भाई नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत सारे डाउट। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो को सोचते नहीं आप लोग, ये वीडियो कैसे लगी? अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।